दर्शकों, इस वक्त दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और वामन मेश्राम की वाम सेब जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। साथ ही जो मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है, ये जो पार्टी है ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और ईवीएम की खिलाफत कर रही है। आज पूरे देश से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, बहुत पूरी जगह से वहां पर आए हुए, बहुत बड़ी भीड़ है। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, जिले हटाओ, देश बचाओ, जिले हटाओ, देश बचाओ। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है। मुर्गीवासी की क्या पहचान, मुर्गीवासी की क्या पहचान, हमका डीएनए एक समान। इस देश के नागरिकों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया, आज ये क्या अभी सोशल मीडिया पे ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, जो जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, वो फोटो लेकर कुछ ट्विटर ट्रेंड में शामिल होने का काम करे, लाइव चले, पोस्ट शेयर करे, क्योंकि जितना आप सोशल मीडिया पर एजिटेशन करेंगे उतना हमारा प्रचार प्रसार होगा। लेकिन इसमें कांग्रेस उस तरह से शामिल नहीं हो पा रही है, या दूसरे जो दल हैं उस तरह से शामिल नहीं हो पा रहे। हालांकि हाल ही में बहन कुमारी मायावती ने अपने भाषण में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि वो सवाल बहुत पहले से उठाती रही हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरह से खुलकर नहीं आ रही। हालांकि दिग्विजय सिंह बीच बीच में ये बात अपनी कहते रहते हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाला है, मगर वो बात खुलकर इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि ईवीएम वो खुद लेकर आए थे, यानी कि कांग्रेस खुद लेकर आई थी, इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाती। और 2009 का जो चुनाव था कुछ इसी तरह से उन्होंने सेटिंग करके जीता था, इसलिए मोदी जी ने 2014 का चुनाव भी सेटिंग करके जीत लिया। अब इस पर बवाल है क्योंकि बाकी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, इस वक्त जो ईवीएम पर चल रहा है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं क्या हैं आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली में इन दिनों प्रदर्शन हो रहे हैं। आपका कहना सही है कि ईवीएम से, और हम इसको साबित भी है कि 2014 में जो सरकार बनी थी वो ईवीएम से बनी थी, और इस ईवीएम को लाने वाला और कोई नहीं, कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस इसको लाने वाली थी, और इस ईवीएम से उन लोगों को किस क्षेत्र में कौन सा एमएलए, कौन सा सांसद क्या निकालना, वो पहले से उसमें सेट कर देते हैं। ऐसा ईवीएम से धोखाधड़ी होता है, और ईवीएम से धोखाधड़ी होता है और 100% होता है, और सरकार बना रहे हैं। तो इसके लिए लड़ाई कोई भी संगठन, चाहे कोई भी देश का संगठन देख लीजिए, बीजेपी, बीजेपी तो उसको यूज ही कर रही है, कांग्रेस जब जो विदेशों ने इस ईवीएम को बनाया है वो इस्तेमाल इसको नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी नहीं हो सकता है। तो जो विदेश उसको यूज नहीं कर रहा है, जिसने उसको जो उनके जन्मदाता है और भारत को दे दिया, भारत उससे चुनाव करवा रहा है, बल्कि ये हमारे यहाँ पर भी सिद्ध हो गया है कि ईवीएम से 100% गड़बड़ी होती है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वकीलों ने कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया था, और भी कई संगठन जो है अलग अलग तरीके से इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जो है वो रुख लेता है। अब कुल मिलाकर बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये, सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये गेंद है, अगर वो चाहें तो इस देश का भला हो सकता है, एक बार फिर बैलेट से चुनाव हो सकता है। Oh,